आज इस लेक्चर में हम ब्लॉग पोस्ट की जो है इमेज को शो कराएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये 900x400 की आ रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैसे हम पोस्ट से रिलेटेड अपलोड करेंगे इमेज। ठीक है, नहीं दिखा तो देख लीजिएगा, ये बटन पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इमेज शो कराना है, एंड देन जैसे ही मैं रीड मोर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें इमेज शो करानी है पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ की बात करेंगे। तो अभी मैं डेटाबेस में जाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो दो पोस्ट के अंदर तो मेरी इमेज नाम का क्या नहीं है, मेरा की नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके अंदर तो है, इसके अंदर इमेज भी है। ठीक है, अगर बाय द वे मान के चलिए जब एडमिन पोस्ट क्रिएट करता है, या तो वो इमेज अपलोड करेगा नहीं भी करेगा। ठीक है, पर वहां पर एम्प्टी इमेज का की आता था। ठीक है, पर यहाँ पर हम ये सारे केसेस को चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्यूज के अंदर, और ये हमारा है बेसिकली ब्लॉक डॉट ईजीएस। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो ये फोर लूप के अंदर हमारा सारा का सारा जो है डेटा शो हो रहा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा इमेज का नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर वे में क्लियरली दिखाई दे। एंड देन यहाँ पर भी मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इमेज का की देखना होगा कि वो एग्जिस्ट करती भी है नहीं डेटाबेस के पोस्ट से रिलेटेड में। ठीक है, नहीं करती है या करती है वो भी हमें चेक करना है प्रॉपर। तो हम यहाँ पर इंटरपोलेशन साइंस यूज कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इफ एंड एल्स। ठीक है, ये मैं दो बेसिकली यूज करने वाला हूँ, और थोड़ा हम इसको अंदर कर लेते हैं। अब आपको पता है कि मेरे पास ये जो पोस्ट आ रहा है इसके अंदर मेरी सारी पोस्ट आ रही है, रिपीटेड हो रहा है, लूपिंग चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा पोस्ट आई और डॉट इमेज। ठीक है, नॉट इक्वल इक्वल हो अनडिफाइंड के एंड एंड एंड। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर बाय द वे एडमिन जो है इमेज अपलोड नहीं करता तो एक इमेज की तो आ जाती है पर वो एम्प्टी होती है। ठीक है, तो उसको केस को भी हमें यहाँ पर चेक करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको चेक करूंगा कि वो नॉट इक्वल हो एम्प्टी के। ठीक है, तो इस केस को भी हमें चेक करके चलना है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इमेज को शो कराने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इंटरपोलेशन साइन को क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी इमेज आने वाली है, तो कुछ इस तरीके से इमेज आएगी। मैं नीचे से जो है कट कर लेता हूँ। देखिए एल्स के केस में क्या होगा, एल्स के केस में मैं चाहूंगा कि यही डमी इमेज शो हो। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एडमिन में जा करके आपका जो मॉडल क्रिएट था ना, यहाँ पर अगर आप मॉडल में जाओगे पोस्ट मॉडल, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो इमेज में डिफॉल्ट जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक इमेज अपलोड कर दो और यहाँ पर उसका पाथ सेट कर दो कि डिफॉल्ट में वो इमेज जाए अगर एडमिन जो है अपनी पोस्ट से रिलेटेड इमेज नहीं अपलोड करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी डमी इमेज जो है हर बार शो होती हुई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल में मेरे पास यही ऑप्शन बचता है, अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल में ये ऑप्शन। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं सिंपल ये जो डमी इमेज चली रही है उसको मैं जो है डायरेक्ट शो करा दूंगा एल्स की कंडीशन में। अन्यथा हम यहाँ पर इफ के केस में क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ से एसआरसी में से इसको हटा देंगे, और एसआरसी में हम क्या करेंगे, जो हमारी पोस्ट आई आ रही है, ठीक है, पोस्ट के अंदर आई जो इमेजेस चलती हुई आ रही है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसके अंदर शो करा दूंगा। और यहाँ पर हमें इंटरपोलेशन साइन तो यूज करनी होंगे गाइस, वरना ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं जो है शो कराने की टेस्टिंग करता हूँ। तो फर्स्ट पोस्ट तो थी नहीं, और यहाँ पर देख पा रहे हो थर्ड पोस्ट में आपकी इमेज जो है आ रही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पर आपका साइज जो है आप देख लीजिएगा कि आपके प्रेफर करता है या नहीं, तो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। डिजाइनिंग वगैरह पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मेरा इम्प्लीमेंटेशन करना लॉजिक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो मैं इस पोस्ट के अंदर मेरी इमेज आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, और बाकियों में तो आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पर डमी इमेज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर तो पोस्ट के अंदर इमेज है तो यहाँ पर हमें शो कराना है। तो हम कैसे शो कराएंगे, तो हम इस वाले राउट के अंदर हमारा जो व्यू कॉल हो रहा है वो हमारा कॉल हो रहा है फिलहाल में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और व्यूज के अंदर आऊंगा और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोस्ट पर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि आपको एक पोस्ट टाइटल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको इमेज का मिल जाता है। ठीक है, इमेज का ऑप्शन ये रहा, तो हम यहाँ पर जो है इमेज को चेंज करने वाले हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाएंगे सेम एज इट इज। तो मैं यहाँ पर भी इंटरपोलेशन साइन मैं क्यों ना यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से हम इसका जो है ये उठा लेते हैं। आई थिंक ये इमेजेस थोड़ा आप डिफरेंट रखना चाहो तो कर सकते हो,
सेम भी रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने ये डाल दिया है और यहाँ पर हम एर लूप तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लूप को हटा देंगे। तो पोस्ट इमेज चलेगा यहाँ पर, पोस्ट डॉट इमेज चलेगा यहाँ पर, एंड सेम एज इट इज नीचे चलने वाला है आपका पोस्ट डॉट इमेज, ठीक है। तो ये था बेसिकली, अभी यहाँ पर मैं टेस्टिंग करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एजेक्स शो हो रही है, मतलब एक प्रॉपर इमेज आ रही है पोस्ट की। अगर मैं बाय द वे यहाँ से इस पोस्ट पर जाता हूँ तो क्या इस पोस्ट की इमेज है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करा सकते हो, एक डमी इमेज जो है आप पहले से ही एक मॉडल में लगा करके सेट कर दीजिए, वेरिएबल में डिफॉल्ट में जो जा रहा है उसका पाथ सेट कर दीजिए, वो बाय डिफॉल्ट उसी पाथ को उठाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे हम बहुत कुछ देखने वाले, इसमें बहुत कुछ काम रहता है जो कि हम करने वाले होंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।